हजारीबाग के टाटी झरिया आंगो इलाके के आदिवासी बहुल चोंचा गांव में 40 परिवार रहते हैं। यहां के लोग आज भी खेत नाले और गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं। इन लोगों को ये दूषित पानी पीने के लिए भी 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सरकार की ओर से इस गांव में एक चापाकल है जो पिछले 1 साल से खराब पड़ा है। ग्रामीणों ने हर जगह गुहार लगाई लेकिन किसी ने उनकी समस्या का हल नहीं निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि जितना हम लोग कमाते हैं वो डॉक्टर को भी नहीं पूरा कर पाते। गंदा पानी पीने से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। सारी कमाई इलाज में ही खत्म हो जाती है। हम चोचा नव प्राथमिक विद्यालय चोचा के हैं टीचर। मेरे मात्र हम अकेले शिक्षक हैं। रसोईया मेरे एक है ना, तो यहाँ चापानल से ही है, पानी की व्यवस्था अच्छा नहीं है। हम लोग कुआं से जो पानी पीते हैं वो गंदा पानी पीते हैं। ना तो मेरा किचन सेड है, ना तो चापानल से ही है। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उसका भागीदारी कौन होगा। गंदा पानी पीना ही समस्या नहीं है, बल्कि समस्या इससे अलग भी है। अब ये गांव सामाजिक स्तर पर भी कटने लगा है, क्योंकि पानी की समस्या के कारण इस गांव में लोग अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है इसलिए हम आपके गांव में शादी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इस गांव के कई लड़के कुंवारे बैठे हैं। शादी भी कोई लड़की देने नहीं चाहता है, तो कहीं भी जाते हैं तो लड़की खोजने को देखता बोलता है नहीं से। देखो ये पानी सुविधा नहीं है तुम लोग पास, यहाँ चोचा गांव में पानी का सुविधा नहीं है, कौन लड़की देने जाएगा? नहीं जाएगा। हम लोग का लड़की जाएगा तो वहाँ कितना तकलीफ में रहेगी। देखो यहाँ पानी का सुविधा कैसा है, यहाँ भी जानवर पीता है और कुत्ता भी पीता है। वहीं सरकारी अधिकारी बात के संज्ञान में नहीं आने का रोना रोते हैं और अब कहते हैं कि ये मामला संज्ञान में आया है तो त्वरित कार्रवाई होगी। है कि टाटीझरिया के बेड़म पंचायत में चोचा गांव है, जहां की अभी संज्ञान में आया है कि चापाकल खराब है, तो मैं कोशिश करता हूँ 72 घंटा के अंदर वहाँ चापाकल निश्चित रूप से बनवा दूंगा और वहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा। एक तरफ तो सरकार के हजारों दावे, चाहे वो बिजली का मामला हो चाहे वो पेयजल का मामला हो, लेकिन हजारीबाग का ये चोचा गांव विकास के दावों की पोल खोल रहा है। अधिकारी कितने सजग हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 साल से यहां का एक चापाकल भी मरम्मत नहीं हो सका। जितेंद्र कुमार, APN, हजारीबाग।